हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी मैं काम ही कर रही थी और फिर मुझे लगा कि मुझे पहले नाश्ता कर लेना चाहिए, फिर खाना खाए, फिर और कोई काम करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे खा रही हूँ पोहा, टेस्टी टेस्टी। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। सो आज का ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और बेसिकली मॉर्निंग में ही ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो चलिए पोहा खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। स्टार्ट ही क्यों किया था अगर पोहा खाना ही था तो, कुछ लोग सोच सकते हैं। बट क्या बोलते हैं, रूटीन शेयर करने वाली हूँ ना, तो बस उसी में इंक्लूड कर दूँगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मूंगफली खा ला? तेल डाल लिया बालों में? उसमें देख के खा। मुझे बोलो हाय गाइस। फाइनली सारे काम तो हो चुके हैं, बट वही होता है ना कि अगर कोई एक भी रूम में है, मिशी का बिस्तर से उतर ही नहीं रही थी, तो मैंने जस्ट झाड़ू पोछा किया एंड बिस्तर को नहीं अच्छे से झटकार पाई। और अभी आई हूँ, मैंने कपड़े चेक करना है। यार ये बहुत गंदा होता है ना, डेली कपड़े हो जाते हैं। मतलब अगर आप सोचो ना किसी दिन भी कि आपको आज कपड़े वॉश नहीं करने हैं, तो ऐसा होता नहीं है। आपको हर दिन कपड़े वॉश करने हो जाते हैं। पता नहीं क्यों इतने कपड़े निकलते हैं, बच्चों के साथ इतने कपड़े निकलते हैं, क्या बताऊँ। डेली डेली कपड़े धो, डेली। सो अभी मैं सारे कपड़े निकाल के सुखाने डाल दूँ, क्योंकि यही काम रह गया। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है जस्ट अभी। और पोहा वोहा खाने के बाद थैंक गॉड कि सुबह नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो दिन भर इंसान ना भूखा रह जाए, काम ख़त्म नहीं होंगे। अभी आप ये देखो, ये वाले चद्दर भी अभी डाले हैं। मतलब अगर इनको भी अभी मशीन में लगाना है ना, तो लगाओ फिर ये वाला काम है। तो भैया अभी मैं आज मशीन में नहीं लगा रही हूँ कुछ भी। आज मैं जितने कपड़े वॉश किए हैं ना, उनको निकाल के सूखने को डालूँ। किचन भी बहुत ज़्यादा क्लीन कर लिया है अभी मैंने, सारे बर्तन को यहाँ पर लगा दिया है। स्टैंड छोटा पड़ रहा है, बर्तन इतने सारे हो गए हैं। तो अभी मैं कपड़े निकालूं, फिर क्या करना है, ऋषिका को नहलाना है, खुद नहाना है, फिर कोई और काम करना है, चाहे वो काम कोई भी हो। आज संडे है, सो आज कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम भी बन सकता है कहीं जाने आने का, तो वो बने। उसके पहले मैं जाऊँ और फटाफट से ऋषिका को नहलाऊँ, खुद नहाऊँ और कपड़े ये सुखाने के लिए डालूँ। तो एक काम करती हूँ, कपड़े यहीं डाल देती हूँ ना यार, सुखाने के लिए कहाँ डालूँगी वरना। सो गाइज, सबसे पहले तो आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने देखा ही नहीं कि मेरा पीछे सूट चपा हुआ है, एंड पीछे का किसको नज़र आता है? आपको नज़र आ रहा है बिकॉज आप पीछे से देख रहे हो। तो मुझे नहीं नज़र आया कि मेरा सूट जो है वो चपा हुआ था। एंड मैं अपने काम में इतनी मस्त हो जाती हूँ ना कि अगर ऐसा मुझे समझ में भी आता है ना, तो मैं तो ध्यान भी नहीं देती हूँ वो। तो जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ। एंड आप लोगों को पता है कि अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आज मैं इतनी ज़्यादा, जब भी मैं एडिटिंग कर रही तब की बात कर रही हूँ, अभी मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। हमें लग रहा था कि आज हम कहीं बाहर जाएंगे, बट कहते हैं ना बच्चों के साथ, फिर बाबू की भी ऐसी तबीयत के, मतलब बाबी को पैर के चलते नहीं हो पाता है। आप कितना भी सोचो ना, नहीं कर पाओगे आप, तो बस वही है। सो फाइनली मिशिका के कपड़े वगैरह सब सूखने के लिए डाल दिए हैं और पूछा लगाया मैंने, बाल्टी में यहीं भूल गई। काम तो ना कभी ख़त्म नहीं हो सकते किसी इंसान के, कि कभी कोई भी काम ख़त्म हो जाए फटाफट से। मैं सोच रही हूँ कि इससे ना ये वाला छोटा सा आंगन धुल देती हूँ।
इसी पानी से और थोड़ा सा पानी और लेके। सो गाइज, जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा सा आंगन धुल दूंगी। ये आंगन नहीं, बालकनी है मेरी। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से आंगन ही निकलता है, पुराने घर की याद आ जाती है ना। सो बालकनी में क्योंकि कबूतर आते हैं ना, तो कबूतर पॉटी वगैरह करते हैं, तो हम लोग इतना मतलब बालकनी में दोनों टाइम पानी डाल डाल के अच्छे से वॉश करती हूँ, बट फिर भी कबूतर जो है ना बहुत परेशान करते हैं। और जाली का मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन जाली के बाद ना लुक चेंज हो जाएगा, तो कबूतरों का और भी उपाय हैं वो हम करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा वो क्या उपाय जो हैं वो मैं करने वाली हूँ। थोड़ा सा मिशी का भी पानी पानी में करती है, लेकिन अभी क्या है ना ठंडक, और पता है बालकनी में बहुत तेज़ हवा भी चलती है, तो वहाँ ठंडक ज़्यादा लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पानी में कम खेले। तो या मतलब इसी तरीके से अपनी सफाई कर लो, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हो ना, तो आपको भी अच्छा लगता है कि चलो भाई क्लीनिंग हो गई, घर भी क्लीन कर लो, बालकनी भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लो ना, तो सब बिल्कुल एक तरफ से हर जगह तक साफ़ सफाई रहती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मिशी का अगर कोई एक जन भी लेटा रहे ना, तो बेडशीट हम वॉश ही नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसी को बेडशीट को साफ़ कर रही हूँ। सो बेडशीट को मैं इसलिए अच्छे से, दूसरी मतलब हर दिन गंदी हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि मिशी का को ना हर कुछ ना बेड पे ही करना होता है, चाहे फिर खाना पीना हो चाहे नाश्ता हो, ज़्यादातर बेड पे ही करती है, तो उसकी वजह से ना बेडशीट बहुत जल्दी गंदी होती है। तो मैं इसीलिए बेडशीट डेली ही चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि गंदी बेडशीट किसी को पसंद नहीं आती है। फिर क्या बोलते हैं, अगर आप डीपली क्लीनिंग मतलब सैटरडे संडे हमारे यहाँ डीप क्लीनिंग होती है, तो अगर आप वो कर, फिर तो आपको ये सब कर लेना चाहिए, जैसे कर्टन चेंज कर लो या फिर वॉश कर लो, और क्या बोलते बेडशीट वगैरह है वो भी चेंज कर दो, तो अच्छा लगता है, थोड़ा और क्लीनिंग सी लगती है। सो गाइज, हम लोगों ने नहा लिया था, मैंने सर नहीं धोया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग कहीं जाएंगे, लेकिन जाना नहीं हो पाता है, और मुझे मैंने फ्राइडे को भी सर धोया था, तो मुझे लगा चलो आज नहीं धोते हैं, कल देखते हैं, मंडे को दे धो लेंगे। तो मिशिका को मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, और मिशिका को आज फ्रॉक पहनना था, तो उसको फ्रॉक ही पहना रही हूँ। बच्चों को उनके पसंद के कपड़े पहना दो ना, तो वो अच्छे से रेडी हो जाते हैं, भले ही बाद में निकाल दो वो आपकी, मतलब अगर आपको लगता है तो बाद में निकाल भी दो, और अगर मतलब मैं अपनी जिद से बोलती हूँ ना, नहीं तू यही पहन, तू यही पहन, तो फिर वो नहीं पहनती, फिर तो आप मतलब समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे उसके, आप लोग सोच रहे होंगे गीले हेयर में क्यों ऑयल डाल रही हूँ, तो सिर्फ उसका ये रीज़न है कि एक्चुअली मैं ना इसके कर्ली बाल हैं, तो जब सूख जाते हैं ना तो बहुत अजीब दिखते हैं, तो मैं गीले हेयर में उसके पहले सबसे पहले ऑयल डालती हूँ, देन उसके बाद मैं सुलझाती हूँ, क्योंकि कर्ली हेयर सबसे ज़्यादा बिदते हैं, और बच्चों के बाल अगर उलझेंगे तो ऑब्वियसली उनको पेन होगा, इसीलिए मैं ट्राई ये करती हूँ कि उसके मतलब हेयर में मैं तेल डाल के सुलझाऊँ, ताकि उसके हेयर जो है वो अच्छे से सुलझ जाए। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, उसके बाल वाल सुलझाऊँगी। सो गाइज, देन उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपना जूढ़ा लग बांध के, क्योंकि मुझे किचन में बनाना है दाल चावल, और बाबू का कॉल आया कि मेघा दाल चावल बना लो सिंपल से, तो मैं वही बना रही हूँ। चावल भी थोड़े बहुत गिर जाते हैं, लेकिन जो गिर जाते हैं वो हम कबूतर को दे देंगे। आप सोच रहे होंगे कि दी थैले में क्यों चावल रखें, तो एक्चुअली मैं कल ही 10 kg का जो चावल का थैला है वो आया था, तो वो डिब्बे में बन नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक दो बार जब बनेंगे तो उसी में से यूज़ कर लेंगे, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मतलब नर्मदा का पानी आता है एक नल में, तो उससे अच्छे से दो पानी अपने जो राइस हैं वो धो दिए हैं, और 1.5 glass चावल लिया था, तो 3 glass पानी इनफ होता है उतने चावल के लिए, तो मैं यहाँ पे अपने जो चावल हैं वो चढ़ा रही हूँ। दाल चावल बनाते टाइम किसी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा, और मुझे भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि दाल चावल जल्दी से फटाफट से बन जाते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। हमारे घर में दिन में दाल चावल ज़्यादा खाते हैं लोग, रात में सब्ज़ी रोटी खाते हैं। सो अभी मैं सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि सुबह में हम लोगों ने पोहा खा लिया था सबने अच्छे से, तो भूख किसी को नहीं लग रही थी और टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए बाबू ने बोला कि हल्का कुछ बना लो, नहीं तो अगर रोटियाँ खा ली ना तो रात में भी खाना नहीं खाया जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है वो दाल चावल ही बना रही हूँ। सो बस मैं इसी तरीके से अपना खाना बनाती जाती हूँ, प्लस कभी कभी मैं मोबाइल वोबाइल भी चलाती जाती हूँ खाना बनाते बनाते, जैसे अगर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ मोबाइल में कुछ चीज़ें, जैसे इस टाइम पे मैं बिज़ी रहती हूँ, तो अपने व्हाट्सएप पे मैं शेयर करती हूँ मीशो ऐप का, क्योंकि मीशो ऐप से भी मैं थोड़ा सा अर्न कर रही हूँ। अभी मैंने जैसा कि आप लोगों को कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि मैंने
1 वीक में जो 5,000 था वो अमाउंट जो है पेंडिंग में आ गया है मेरे, और बस थोड़ा सा 2-5 दिन और लगेंगे पेंडिंग से वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी 10 डेज़ की है शायद वहाँ पे, इसीलिए अभी भी वो पेंडिंग में ही सो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ाने के बाद दाल चढ़ा रही हूँ, और दाल को जस्ट मैं बघारूँगी, मतलब जो छौंक बोलते हैं वो लगाऊँगी, प्याज लहसुन और हरी मिर्च और हरी धनिया पत्ते के डंठल से। और वो इतनी टेस्टी दाल बनी थी ना कि बाबू भयंकर तारीफ़ कर रहे थे मेरी, भयंकर वाली तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत यम्मी वह दाल बनी, किस तरीके से बनाई। जबकि आज मैं ना थोड़ा सा थकी थकी सी थी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी दाल बना दी थी, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था दाल उल बनाने में। तो अभी मैं इस चॉपर से फटाफट से सारा चीज़ें खट्टे डाल के मैंने चॉप कर ली, और यहाँ पे अभी ये लोग ना सब्जी लाए, तो सब्जी में अदरक इतना ज़्यादा गंदा था, उसमें मिट्टी मिट्टी थी, तो मैंने उसको बोला कि काम करो अदरक इकट्ठा लेके आ गए ये लोग, तो आधा किलो अदरक समथिंग था, तो मैंने कहा उसकी मिट्टी निकाल दो, नहीं तो फिर वो क्या होता है ना कि जैसे जल्दबाजी में आपको चाय बनानी है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं मसाला है वो मैं रेडी कर रही हूँ, और वो अपनी सब्जी वगैरह जो है राजा मेरा देवर जो है वो जमा रहा है। राजा मुझसे उम्र में भी छोटा है और बाबू का फ्रेंड है, तो मैं उससे इस तरीके से बात करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरा देवर इसलिए मैं ऐसी बात करती लोग हूँ। घर बैठ के कुछ अर्न करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ अर्न नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं हम यूट्यूब पे अपना लक आजमाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत वक्त लग जाता है, आपके पास उतना वक्त नहीं है, तो आप आज से ही अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो मीशो ऐप के साथ। मीशो ऐप एक नंबर 1 ऐप है अर्निंग करने का, इस पे आपको रीसेलिंग करनी है हर ऐप को, आप कोई भी अपना खुद का बिजनेस डाल रहे हो तो एटलीस्ट आपको 20-50 से 60 हज़ार रुपये मतलब अब उस बिजनेस में डालने पड़ते हैं। लेकिन मीशो ऐप के साथ ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, आप उस एंड्रॉयड मोबाइल से अपना जो बिजनेस है वो चला सकते हो। और आप वो कैसे कर सकते हो वीडियो आगे आपको क्लिप में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि मीशो ऐप की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, प्लस मेरा शायद कूपन कोड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी अगर मुझे मिल जाएगा तो। उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी सेल एंड आप रीसेलिंग कर पाएंगे। इसे यूज़ करना है, चलिए हम देख लेते हैं। सो गाइज, मीशो ऐप से आप ऐसे कमा सकते हैं, यहाँ पे फैशन एंड होम प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, सो आप इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको शेयर करना है जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है वो आप शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये कुर्ती जो है इनको शेयर करूँगी, और ये कुर्तीज़ अगर मेरी फैमिली या फ्रेंड को पसंद आती हैं तो मैं उनको बताऊँगी कि क्या प्राइस है। सो आप यहाँ पे इसका प्राइस फुल डिटेल के साथ दे दीजिए, जब आप इसका फुल डिटेल के साथ प्राइस देंगे उनको पसंद आएगा, तो आपको बस उनका जो पेमेंट मेथड है उसको फिल करना है, प्लस आपको यहाँ पे उनका एड्रेस भी फिल करना है। जब आप पेमेंट मेथड और एड्रेस फिल करें उस टाइम पे अपना मार्जिन प्राइस जरूर ऐड करें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल कॉस्ट का पता लगाऊंगी, टोटल कॉस्ट आपकी क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि 598 रुपीज़ इसका टोटल मतलब प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्लस शिपिंग चार्ज है इसका 70 रुपीज़, प्लस मैं यहाँ पे अपना मार्जिन प्राइस भी ऐड करूँगी। ये मार्जिन प्राइस आपको वीक में मिल जाएगा, 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। सो गाइस, फाइनली अच्छे से अपनी स्किन केयर कर ली है। जब मैं स्किन केयर करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी बाल सुलझाने, बाल सुलझाना एक टास्क होता है हर किसी के लिए। और मिशिका, मिशिका रेडी हो गई, मिशिका रेडी हो गई। अरे वाह, मिशिका नाई नाई कर ली, और मम्मा ना, मम्मा ने भी कर ली। मम्मा को पानी नहीं मिलेगी क्या? मेकअप कर ली मम्मी। बेटा स्किन केयर किया है मम्मा ने, लेकिन मेकअप मिशिका लगा ली। अच्छा, मिशिका ने भी मेकअप लगा ली। इसको बोलते हैं क्रीम लगाना, स्किन केयर नहीं करना होता। मिशिका की स्किन भी मेरे जैसी ड्राई है, लेकिन इसको अभी सीरम वगैरह नहीं लगा सकती हूँ, सो ओनली क्रीम लगा देती हूँ। हम चली हो, हैप्पी बर्थडे टू हिम। देख रही हो कर्ली बाल कितना परेशान कर रहे हैं मिशिका को, मेरी बेबी की कर्ली कर्ली है। देखो ट्रेन आ गई, चलो देखें। ये है यहाँ का व्यू, बहुत ही प्यारा। ये देखिए भेड़ निकल रही है यहाँ से, इनको बकरी। सो फाइनली गाइस, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अभी मैं हूँ फ्री। बाबू उसके पहले कुछ बातें हैं कुछ जो आप लोगों से करना चाहती हूँ। 2 दिन हो गया व्लॉग नहीं आया, बिकॉज़ कभी कभी ना हमें किसी चीज़ का इतना इफ़ेक्ट पड़ता है
कि हम वो चीज़ जब तक शेयर नहीं कर लेते ना तब तक सुकून नहीं मिलता है। मेरे साथ ऐसा है, जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर लेती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बात इनसे डिस्कस क्यों नहीं की, अगर क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, राइट। सो एक मिनट मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप भी मेरी एक फैमिली हो, और जी हाँ, अगर अपनी फैमिली से इस बारे में डिस्कशन करना मुझे नहीं लगता गलत है, और अगर गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो एक्चुअली मैं गाइज, परसों मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने थोड़ा सा अपना डेली रूटीन दिखाया है, और डेली रूटीन जब मैंने दिखाया तो मैंने जैसा कि वहाँ पर लिखा कि हाउस वाइफ का की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, तो उसमें एक मैडम आई और उन्होंने एक कमेंट किया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मीन कमेंट लगा और बहुत ज़्यादा गंदा भी लगा, पढ़ के भी गंदा लगा कि आज की जनरेशन में लोग ऐसा सोचते हैं, कि आज की जनरेशन भी अगर ऐसा सोचेगी तो कैसे चलेगा। बिकॉज मैं जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, राइट। तबीयत ख़राब मतलब नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, उनके पैर में चोट आई है। अभी अगर मैं उनको बोलूं कि आप मुझे कुछ नहीं जानना कि आपके पैर में चोट आई है या फिर आपको कुछ हुआ है, मुझे कुछ नहीं मतलब, आप तो जाओ और पैसे कमा के लाओ, चाहे जैसे लाओ, आपको चाहे जितना पेन हो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कहना सही होगा क्या? आपकी नज़रों में ये कहना सही होगा क्या? जैसे मान लो कि अगर मैं ये चीज़ अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, और आप देख रहे हो कि आपके हस्बैंड से चलते नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी दी अपने हस्बैंड से काम करवा रही हैं, तो आप ही मुझे बुरा बोलोगे ना। तो अभी वो मैडम मुझे कमेंट कर रही हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार उन्होंने ये कमेंट किया कि पति तुम्हारी कमाई खा रहा है। सो मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी हो, और अगेन आप कमेंट करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड ने, राइट। सो पहली बात तो कि उनको मेरी कमाई तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना, तो उसकी बैंक बैलेंस इतना होता है कि उसको 4 महीने के लिए क्या 6 महीने के लिए भी बीमार हो जाएगा ना, तो उसका बैंक बैलेंस अच्छा होता है। कोई एकदम सा झंडनी बैठ के बैठ जाता है कि पैसा ही नहीं है, 4 दिन जॉब नहीं गया तो बंदे को पैसे ही नहीं है। और फिर हम लोगों को प्लानिंग भी थी ना कि हमें इंदौर सेटल होना है, तो वैसे भी हमें तो जॉब छोड़नी ही थी, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा खासा था कि भाई जोड़ लिया था कुछ हमने, कुछ उन्होंने, कि चलो 1 महीने भी अगर इंदौर में ढंग से सेटलमेंट जमाने में लग जाएगा तो 1 महीने तक मैं क्या बोलते चल जाएगा मेरा काम। सेकंड थिंग कि बाबू के मम्मी पापा भी बहुत अच्छी जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड के जो मम्मी पापा हैं वो अच्छी खासी जॉब करते हैं, तो उनको मेरी कमाई तक तो जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो मेरे हस्बैंड ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो ऐसा कभी सोचते भी कि वो मेरी कमाई खाएंगे। मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है कि अगर मैं घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ ना, वो मुझे नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम ये चीज़ बोलो कि ये मैंने ली, जबकि मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे पता है मैं वैसी नहीं हूँ, उन्हें पता है कि मेघा वैसी नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने उनको, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इन फ्यूचर मुझसे ये चीज़ बोलो कि क्या बोलते तुम मेरी वजह से चैनल क्रिएट किया है तुमने, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम चैनल क्रिएट नहीं कर पाती। यस, और उनके साथ से ही मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। साथ मीन्स कि क्या बोलते, जब मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने परमिशन दी, तभी मैंने चैनल क्रिएट किया है, लेकिन मैंने उनसे 1 रुपये नहीं लिया। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड मुझसे कोई पैसे की उम्मीद रखते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और वो अगर मुझसे, उनको लगे कभी कभी कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने मम्मी पापा से फर्स्ट मांगेंगे, और मैं इतना नहीं कमाती हूँ कि मैं उनका खर्चा कर पाऊँ या इस घर का खर्चा कर पाऊँ। बिकॉज़ आपको पता है एक बच्चा भी है, आप इतनी अच्छी खासा, आपको 12-13 हज़ार रुपये रेंट भरना पड़ रहा है। जब हम यहाँ पे, हमने रूम देखा था तब 11 बोला उसने, अचानक से उसने बढ़ा दिया, 12 कर दिया, और आपका बिजली बिल भी, और इतना सारा पेमेंट, इतनी सारी चीज़ें होती हैं घर में, कितने खर्चे होते हैं, अभी इतनी वॉशिंग मशीन, टीवी, क्या ये सब मैं ले सकती हूँ, इतना मैं कमा रही हूँ? मैं इतना बिल्कुल भी नहीं कमा रही हूँ। तो मुझे सच में ऐसे कमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं कि पति तुम्हारी कमाई खा रहा है, या तुम अपने पति की कमाई खा रही हो, कोई किसी की भी कमाई खा रहा हो, आप कौन होते हो ये चीज़ बोलने वाले? मुझे तो ये बताइए कि आप होते कौन हो फिर? तो आप भी अपने हस्बैंड की कमाई खा रहे हो ना, क्योंकि आप भी तो अपने हस्बैंड के ही पैसों से चल रहे हो, आपका घर भी तो उन्हीं के पैसों से चल रहा है। तो ये होता कहाँ से, ये आता कैसे, आई डोंट नो, मुझे तो सच में समझ नहीं आता। मैं तो बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर आज भी आप ऐसा सोचते हो तो अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तब तो घर बहुत अच्छे से चलता है,
लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक बंदा कमा रहा है ना, तो घर एकदम नॉर्मल चला सकते हो आप, आगे अपनी लाइफ में कुछ पा नहीं सकते हो, क्योंकि एक इंसान की कमाई आज की डेट में, इतनी महंगाई की डेट में नहीं दिखती है। ये चीज़ मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से जानते हो, और ये मेरे दर्शक जो मुझे देखते हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक जन की कमाई में या तो आप सिर्फ अपना घर चला सकते हो और नॉर्मल चीज़ों की भरपूर्ति कर सकते हो, एक बहुत बेहतर लाइफ जीने के लिए दोनों पर्सन को कमाना ज़रूरी है। एंड कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि तुम मेरी कमाई खा रहे हो या मैं तुम्हारी कमाई खा रही हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा कुछ डालने की कोशिश भी ना कीजिए, हमारे रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश ना कीजिए। आप लोगों की ऐसी हरकतें, ऐसा लगता है हमारे तो रिश्ते ही टूट जाएंगे। सो गाइज, बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें और ऐसा ना बोलें। सो चलिए गाइज, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, बिकॉज ब्लॉग हो गया काफ़ी ज़्यादा लंबा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर।